नमस्कार किसान भाइयों, मैं रानूलाल देवकिशन जी खत्री डीवीएस के स्वाति बीज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जिन किसान भाइयों ने स्वाति बीज लगाए हैं उनके अनुभव उनकी जुबानी सुनिए और इसी तरह के अनुभव वाले नए नए वीडियो लेते आएंगे। हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर करना और नए वीडियो को देखने के लिए नीचे दी गई घंटी जरूर दबा देना। राम राम। क्या नाम है काका? काड़ू सिंह। काड़ू सिंह? पुंसी। पुंसी गांव? चेखला पगी। चेखला पगी तालुको? देगाम। देगाम जिलो। जिला? गांधीनगर। गांधीनगर। ये मर्ची में कौन सी जात है? स्वाति ग्रीन स्लिम। स्वाति ग्रीन स्लिम। ये धरवाड़िया कहाँ से लाए थे? माड़ी से। माड़ी कितना दिवस हो गया? 45 दिवस। 45 दिवस। बीड़ी कितनी हो गई? दो बीड़ी चालू करवानी थी। यानी 45 दिवस में दो बीड़ी हो जाएगी। आप बैठक में कैसी रहती है? बैठक में अच्छी लगती है। और ये बहुत जोरदार बैठक है, 45 दिन का हो गया है बराबर, और बहुत लंबी है, एकदम साइज लंबी। आप फूल उल कैसी रहती है इसमें? फूल में एकदम जोरदार रहती है। बारिश होता है तो खरता तो नहीं ना है? बारिश में नहीं खरता है बराबर। ये कितने बीघे में लगाए हो आप? एक भी गेम लगा यहाँ। मर्ची एकदम जोरदार बैठी हुई है पूरे खेतर में, एकदम कोई जीवात भी नहीं है, एकदम क्लीन फ्रेश। मिर्ची तोड़ने में कोई तकलीफ होती है? नहीं, एकदम टूट जाती है सर से यहाँ फटाफट। डाल टूटती है? हाँ नहीं टूटती है, डाल भी नहीं टूटती है। मर्ची की साइज कैसी है? स्वाति स्वाति ग्रीन स्लिम। यानी मर्ची कैसी है क्वालिटी? अच्छी है, एकदम अच्छी है, अच्छी लंबी है। लंबी है बराबर। यानी तुड़ाई करने में कोई तकलीफ नहीं होती? तुड़ाई करने में कोई तकलीफ होती है? नहीं अभी तो नहीं होती है। इसकी साइज कैसी रहती है? बहुत बढ़िया रहती है मर्ची, बताओ। यानी 45 दिवस हो गई है, यानी दूसरी बीड़ी है। तो आप दूसरे खेड़ को क्या माहिती दोगे? मैं तो यही बोलूंगा कि ये सब खेड़ को यही लगानी पड़ती है स्वाति ग्रीन स्लिम। यानी आप माड़ी से लाए थे, नर्सरी का नाम मालूम है आपको? नहीं अभी तो मालूम नहीं है, क्योंकि बड़ा भाई लेके आया था ना। बराबर। वो थोड़ा मालूम होगा कहाँ से लाए थे? वो माधव नर्सरी है ना, वहाँ से लाए थे बड़ा भाई। माधव नर्सरी माढ़ी से बराबर। तो ग्रीन स्लिम आप लोग को बहुत पसंद आई? पसंद आई बराबर। यानी 45 दिवस हो गया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।